कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। अलग अलग देश यह दावा कर रहे हैं कि उनके यहाँ वैक्सीन बन रही है। इसी बीच अमेरिका वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन ने उस स्तर की ताकत हासिल कर ली है जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण के मजबूती से रोका जा सके। पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस घातक बीमारी की दवा खोजने में लगे हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लाख लोग बीमार हैं। इसलिए वैज्ञानिकों की चिंता ये है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन बनाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वे बाकी देशों की तुलना में बहुत जल्द COVID-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित कर चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई है उसके लिए इन लोगों ने SARS, SARS और MERS, MERS के कोरोना वायरस को आधार बनाया था। पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन की एसोसिएट प्रोफेसर आंद्रिया गम्बोटो ने बताया कि ये दोनों SARS और MERS के वायरस नए वाले कोरोना वायरस यानी COVID-19 से बहुत हद तक मिलते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिला है कि इन तीनों के स्पाइक प्रोटीन यानी वायरस की बाहरी परत को भेदना बेहद जरूरी है ताकि इंसानों के इस वायरस से मुक्ति मिल सके। प्रोफेसर आंद्रिया गम्बोटो ने कहा कि हमें यह पता कर लिया है कि वायरस को कैसे मारना है, उसे कैसे हराना है। हमने अपनी वैक्सीन को चूहे पर आजमा कर देखा और इसके परिणाम बेहद पॉजिटिव थे। प्रोफेसर आंद्रिया गम्बोटो ने बताया कि इस वैक्सीन का नाम हमने पिट्गोवैक रखा है। इस वैक्सीन की असर की वजह से चूहे के शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज पैदा हो गए हैं जो कोरोना वायरस को रोकने में कारगर है। प्रोफेसर आंद्रिया गम्बोटो ने बताया कि COVID-19 कोरोना वायरस को रोकने के लिए जितने एंटीबॉडीज की जरूरत शरीर में चाहिए उतनी पिट्गोवैक वैक्सीन पूरी कर रहा है। हम बहुत जल्द इसका परीक्षण इंसानों पर शुरू करेंगे। पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन की है टीम अगले कुछ महीने में इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू करेगी। वैक्सीन इंजेक्शन जैसे नहीं है, यह एक चौकोर पैच जैसी है जो शरीर के किसी भी स्थान पर चिपका दी जाती है। इस पैच का आकार उंगली के टिप जैसा है। इस पैच में 400 से ज्यादा छोटी छोटी सुइयां है जो शक्कर से बनाई गई है। इसी पैच के जरिए उसमें मौजूद दवा को शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। वैक्सीन देने का यह तरीका बेहद नया और कारगर है। हालांकि गम्बोटो की टीम ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस एंटीबॉडी का असर कितनी देर रहेगा चूहे के शरीर में, लेकिन टीम ने कहा कि हमने पिछले साल MERS वायरस के लिए वैक्सीन बनाई थी जो बेहद सफल थी। यह खुशखबरी है कि कोरोना वायरस यानी COVID-19 की वैक्सीन तैयार हो चुकी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।